सभी का मंगल हो। नमस्कार। जीवन सभी माता पिताओं से बड़े बुजुर्गों से मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को बहुत गंभीरता पूर्वक लीजिए। देखिए, मैं केवल आपके परिवार के कोई भी सदस्य के रूप में किशोर बच्चे से नौजवान बच्चों के लिए बोलता हूँ। और मैं क्या भगवान बोलते हैं, गुरुदेव ने उनके लिए बाबा जी बोलते हैं, और तो मैं क्या कहूँगा, मतलब मैं तो उन पर आस्था पूरी, ठीक है ना। भाव मेरे यहाँ पर ये आते हैं, जब घर के अंदर कोई समस्या बनती, देखिए बिगड़े हुए काम रुके हुए काम समझ सकते हैं, बन सकते हैं, हेल्थ का इलाज हो सकता है, लेकिन मुझे ये तो बताइए कि क्या कहते हैं स्वभाव कैसे होगा, ठीक है ना। ऐसा तो कोई है नहीं कि पृथ्वी पे कोई होगा एक आधा करोड़ों में एक आधा कोई बिरला जिससे भगवान कृपा करे तो पूरा ही जीवन चेंज हो जाता है, स्वभाव नहीं पूरा जीवन ही चेंज हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अपना हम खुद इसलिए नहीं करते, हल्के में लेते हैं। अब लब्बो लब्बा आपकी बात केवल इतनी सी है कि जब घर के तो कुछ समस्या बनती है, दाम्पत्य जीवन में बच्चों की बनती है, डेली रूटीन में बनती है, व्यवहार में बनती है, सर्विस में बनती है, पढ़ाई बनती है, समाज में बनती है, किसी प्रकार से उसके व्यक्तिगत जीवन के अंदर बनती है, तब फिर क्या कहते हैं भागा दौड़ी हो जाती है, तब फिर उसी हिसाब से फिर क्या कहते हैं हायत और मस्ती है, ठीक है ना। तो उस चीज़ से बचने के लिए यूँ समझिए एक प्रकार का, जैसे क्या कहते हैं शुगर के लिए इंसुलिन होता है, या उसी प्रकार से अपने बुखार से बचने की गोली पहले से ले लेते हैं, तो वैसे ही है। जितने बच्चे को समझ में आएगा आपके द्वारा पास होगा जब भी, तो आप ये मत सोचिए कि कितना बच्चा कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, किशोर बच्चे से नौजवान बच्चा शादीशुदा कोई दिक्कत है, 35-36 साल का 38 साल का कोई दिक्कत नहीं, आप भेजिए तो सही। आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है, अपनी सोसाइटी में अपने ग्रुप बना रखा है, उसमें क्या आपने जो सोशल साइट पर अपने बड़े लोगों का, माता पिताओं का, लेडीज़ का, बुजुर्गों का जो ग्रुप बना रखा है उसमें भेजिए, किसी न किसी के परिवार में काम आएगा। आस पड़ोसियों का ग्रुप बना रखा है उसमें भेजिए, किसी न किसी काम आएगा। अरे आप करिए तो सही, आप रिटायर्ड होकर सारे समय सब चुपचाप बस खाली टाइटल देख के या वैसे खोल के आप क्या कहते हैं आगे बंद कर देते हैं, चलो भी अगला नाराज नहीं, चलो उसको दिख जाए मैंने खोल लिया, इतने आप ज्ञान बनते हैं। आपको अच्छी तरह मालूम है कि आपके घर में बच्चों का स्वभाव कैसा है, वो केवल पढ़ाई में होशियार हैं, वो केवल सर्विस लग चुके हैं, वो डॉक्टर इंजीनियर अफसर बन चुके हैं, लेकिन निजी जिंदगी उनकी कैसी है ये भी तो देख लीजिए। व्यक्तिगत जीवन आपको ही मालूम है, व्यक्तिगत जीवन में परिवार होता है, सामाजिक जीवन होता है कैसा है आपको ही मालूम है, आप भी उसके सामने ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं, ठीक है ना, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, आजकल तो सब मुँह फटो रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारी बातें, बस ठीक है सब धक्कल पेल चले, लेकिन क्योंकि आप उनको मजबूत नहीं बनाना चाहते, आप उनमें वो ज्ञान देना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप खुद ही ज्ञान है, आपका तर्क शक्ति इतनी ज़बरदस्त हो जाती है कि आप अपने आप में तर्क करते हैं, क्या फ़ायदा। प्रेरक बने, प्रेरक बने, और कैसे प्रेरक बना जाता है आप खुद सोचो। ये बाकी क्या कहते हैं एक वो जो होता है ना लुभावने, क्या कहते हैं आपका मोटिवेशनल से कुछ नहीं होता, वो तो नेट मार्केटिंग की तरह सब कुछ ना, तो उससे क्या होगा आप बताइए। आप मतलब अगर आप उनको कोई मोटिवेशनल एक नेट मार्केटिंग की तरह आप देना चाहते हैं होगा क्या ये बताइए आप। नहीं नहीं नहीं, सब चीज़ें उपदेश जाती हैं, उनको भी प्रैक्टिकल चीज़ें, तो प्रैक्टिकल में आप दीजिए उनको, कभी ना कभी सुनेंगे, उनके काम आएगी, ठोकर खाने से बचेंगे, और तो क्या, फिर भी खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें कुछ तो करना चाहिए ना, इसीलिए आप इस चीज़ को वो लेकर चलिए। आप तो सूत्रधार हो, प्रेरक बनने वाले, प्रेरणा देने वाले सूत्रधार बनिए, खाली अपने अपने लिए नहीं औरों के लिए बनिए। मंगल कामना, नमस्कार। मैंने इसमें एक प्रेरणा स्त्रोत्र वाली सीरीज चला रखी है, उसमें क्या, उसमें क्या बताना चाहता हूँ, मैं किसी को रिझाना नहीं चाह रहा जिनके बारे में बोल रहा हूँ, बस केवल जो बात मुझे बहुत अपील करके उसको बताना चाह रहा हूँ कि देखो पढ़े लिखे लोग हैं या जो भी कुछ हैं, जैसे भी हैं, वो चाहे पदवान हो, धनवान हो, बिजनेस कोई भी हो, आप देखो उनकी जो जो बात अपील करें बस वो बात पे आप ध्यान दीजिए। कहते ना आम खाई गुठली मत गिनिए, आपको ही बच्चों को बताना चाहिए, ठीक है ना, पास ऑन कर देना चाहिए, पोस्ट कर देना चाहिए, जितनी है पोस्ट कर दो बस, तो ये होती है तब तो हम माने कि हाँ भी आप बच्चों के पेड़ को, वरना तो क्या चलता रहता है जिंदगी, सबकी चल रही है। मंगल कामना, नमस्कार।